हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम एनालिसिस कर रहे हैं एमोरेटी 34 का, जिसे लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। दोस्तों, एडमंड और एलिजाबेथ की ऑनगोइंग लव स्टोरी का एक पार्ट है एमोरेटी 34। ये एक फ्रूटलेस परस्यूट था, लंबे समय से वो उन्हें पाना चाह रहे थे। उन्हें बहुत बहुत मेहनत करने के बाद कहीं जाकर एलिजाबेथ मिली। ये बात भी ध्यान रखें कि एडमंड स्पेंसर की पहले शादी हो चुकी थी और उन्हें दो बच्चे थे अपनी पहली बीवी से, और एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था स्पेंसर और एलिजाबेथ के बीच। और एलिजाबेथ बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे दिल की थी, उनके पास अपनी उम्र के और भी दीवाने थे। अब एमोरेटी 33 जो था, इससे पहले वाला, उसमें स्पेंसर का दुख दिखाया गया है कि किस तरीके से वो उन्हें नहीं पा पा रहे हैं। वो जो चाहते हैं अपने प्रेम को पाना, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वो इससे इसके प्रति उनका दुख दिखाया गया है और वो ये तक सोच लेते हैं कि अब उस चीज़ को वो बंद कर देंगे, अब वो उन्हें नहीं पाएंगे, वो उन्हें छोड़ देंगे। एमोरेटी 34 में भी चीज़ें कुछ और बेहतर नहीं हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया है कि एक समुद्र में एक जहाज़ है जो तारों के द्वारा नेविगेट नहीं हो रहा है। आमतौर पे जो समुद्री जहाज़ होते हैं वो तारों को देखकर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, पर यहाँ पे उनको तारों से कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं तूफान के, उन्होंने विजन को रोक दिया है, साइट को रोक दिया है। और ये जो समुद्री जहाज़ है, ये कहीं दूर दूर भटक गया है अपने रास्ते से, और अब वो बिल्कुल एक आवारा की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा है, एस्ट्रे हो गया है वो। तो यहाँ पे वो मेटाफोरिकली वे में बात कर रहे हैं, ये शिप और कोई नहीं है, ये खुद हैं। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिजाबेथ है उनको ही तरफ मैं जा रहा था, पर अब मैं अपनी वे को लॉस्ट कर चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट माई वे। क्योंकि जो एलिजाबेथ है, उन्हें यहाँ पे एक लाइट की तरह बताया गया है मेटाफोरिकली, कि वो जो रोशनी है वो बादलों से ढक गई है और तूफान आ गया है, हर तरफ अंधेरा है और बहुत सारे डेंजर्स हैं आसपास, मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊँगा। अब स्पेंसर आगे ये कहते हैं, जो फाइनल राइमिंग जो कपलेट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि स्टॉर्म की वजह से वो डर गए हैं और उन्हें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ कोई कंफर्ट नहीं है, सिर्फ सौरो है, दुख है, और उन्हें एक बहुत ही दुख भरा पछतावा है। अब वो बहुत अनईजी फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं एक अनईजी फ्रेंडशिप में हूँ एलिजाबेथ के साथ, क्योंकि मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही रिमोर्सफुल है, बहुत ही रिपेंटिंग है, बहुत पश्चाताप हो रहा है मुझे। आप यदि इस स्पेंसेरियन सोनेट के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें टोटल 3 क्वाट्रेन्स हैं और फिर एक राइमिंग कपलेट है, टोटल 14 लाइन्स हैं इसमें। इसकी जो स्कीम है, राइम स्कीम, वो है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।